भैया आज के जमाना के मेहरारू के गाना बा, एगो मेहरारू के बुढ़वा फंसा के दीवाना भइल बा, तो वही पे हम दू लाइन कहते हैं दोस्तों, आप लोग सुनिए। अरे बेटा से पैसा मांगे, अरे रोजा चुचुलाई के, अरे बेटा से पैसा मांगे रोजा चुचुलाई के, बेटा से पैसा मांगे रोजा चुचुलाई के, मजा मराई बुढ़ावा हो, मजा मराई बुढ़ावा पतो ही आई फासाई के, मजा मराई बुढ़ावा पतो ही आई फासाई के। तो भैया ये गाना भाई नमार गवा चुकल बा, बहुत जल्द आप सबके बीच में, और बत्तख साथ आ रहा था, आप लोग देखिएगा जरूर और सुनिएगा जरूर, बहुत जल्द कल इनके साथ शूटिंग होने वाला। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको इस गाने को अच्छा लगेगा, मेरा गाना बहुत जल्द है जरंगीला ऑफिशियल पे आ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है जरंगीला शॉर्ट ऑफिशियल चैनल पे। और दोस्तों बता दें कि कल वीडियो हम लोग का नहीं बन पाया रात में, और कल हम चले गए थे थोड़ा सा, एक बहुत ज्यादा मतलब पुराना रिश्ता था हमारे मम्मी का, तो वहाँ पर न्योता करे मतलब दाइजा करे, भोजपुरी या देहाती कहानी दाइजा करे। वहाँ जाने के बाद भैया काफी लोगों, काफी औरतें और काफी हमारे जितने आराती घराती बराती थे, सब लोग इतना परेशान कर दिए दोस्तों कि रात में हम सोचे खाली दाइजा करके चले आएंगे। और वहाँ जाने के बाद भैया और बबीता हमको चेतावनी दी थी कि 8 बजे तक घर पर आ जाना, लेकिन दोस्तों क्या करें, इतने लोग वहां पर हमको वो करने लगे कि हमको वहां पर फाइनली रुकना पड़ा, और रात भर डांस करवाए, और लगभग मैं 2 बजे या 3 बजे रात को आया, तो बबीता हमारी सोई थी। और फिलहाल कहा बताए, बबीता जी को आते ही भड़क गई, और रात से एक रट मचाई है यार। दोस्तों बताइए यार, कौन सा इंसान ऐसा है कि महीने में 15 बार ससुराली जाए, वो खाली अजय रंगीला कह सके। तो दोस्तों मुझे इतना लातर बना दी है, इतना लातर बना दी है कि मतलब बार बार ससुरारी में ले जाए पे इज्जत करा था। तो दोस्तों आप लोग समझाइए कि ससुरारी मतलब, देखा आप सबके कुछ दिन पहले हम एक वीडियो बनौले रहनी है, वो वीडियो में बताइले रहनी कि भैया लोगन ससुरारी अगर जाए को जे बहुत बड़ा ससुरारी के मेहर बसा हो, या मेहरारू बहुत बड़ा मेहर बसा हो, भैया रातिक ससुरारी जाए। अगर मेहरारू नैहरे में हो तो रात के ससुरारी जाबा भयवा, जैसे हमारे जैसे ना, देखा हम तो सनी देवल वाला, जैसे सनी देवल जी पहनते हैं वैसा, मैं वो कौन सी फिल्म है घातक, कौन सी फिल्म में ऐसे कुछ है ना, तो वो वाला सिस्टम में पहना हूँ। ससुरारी का नहीं दिया हुआ है फिलहाल, ये मेरा खरीदा हुआ है। तो दोस्तों ससुरारी उपहार के देवा न कहीं ना, ससुरारी की दी है हमारी। दोस्तों बताइए ये हमारे शादी का है, जो उसके ब्लेजर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्लेजर कहते हैं, और क्या है, ससुरारी की देवा लगी, देखे दिखा दे तुम्हारी माई बाग आइये दे टूटा जी सब शर्मा मसारी भैया, तो बता दी भगवान कसम है, देखा तुम्हारा पीछे न यही मसारिया, मसारिया मतलब का कहने के बेड न बेटा, भगवान कसम खाए कह दे की ससुरारी में हम गयी, जब पहली बार हम ससुरारी में गली तो ससुरारी की भाई हाल बताए दे कि जवन बूढ़ा हमें खटिया देनी। अच्छा सोली तो भैया, लेकिन जवन बूढ़ा हमें खटिया लिया देनी भाई, सोते थे करीब का कही मतलब एकदम पार्टी टूट के नीचे, और हमारे जवन बैलेंस हो ना ए पीछे के पूरा जमीनी थमी गल, हम शर्मा कैसे लाच के मारे के। दोस्तों सुनिए, अच्छा क्यों झूठ बोलते, हाँ क्या बोले, कैसे टूटा था बताइए, जब हम चले तो क्या, अरे कैसे हम चले तो क्या, मतलब हमचने का कोई रीजन तो होगा, अरे शरीर है जब उसको हूंचोगे। दोस्तों ये बताइए कि हमचे क्यों थे, आप बताइए, आप बताइए, नहीं बताइए दोस्तों, ऐसा था कि अलर पलर इनको कर रहे थे, अलर पलर वही सब मतलब मस्ती कर रहे थे। अब बताइए इतना कमजोर बूढ़ा के सोचे चाहिए कि दमाद याल हो तो ठीक ठाक खटिया देवे चाहिए, ऐसा अव्वल याल नहीं किया जाना था, बड़की माई की मंगनी के, और सर्वा बतावा अथुआ के ना रहा लोहा खटिया रहा भाई, कवन हमने के हमार का कहने जाए कहा, कवन इतनी भारी हो गया लाइक बैठते टूट गया, टूटने के बाद दोस्तों हम इतना लजा रहे थे, इतना लजा रहे थे कि भाई बूढ़ास कहा का है जिकर खटीवा उसे का कि कैसे टूट गया, अगर बूढ़ा पूछे लगनी कि भैया खटीवा कैसे टूट गया तो का जवाब देते, यही कहते जान लग रखती है, हम बोलाए बूढ़ा कम के तुम खटिया टूट गई और लेके जा दूसर ले कबा, तब से भैया अगर हम ससुरारी जाये अगर रात कभी काल रुक, कभी काल का हम तो मान ला फटर गंजी है हमेशा रुकल करीला करे चक्कर में कुल जहां तक खराब हो खराब है हम,
तो अपने शनि देवल के ये रोकल है जहाँ तक बोला जाए ना दे। और फिलहाल जब भी हम रुकीला तो हमेशा बूढ़ा हमार मजबूत है तो खटिया नहीं है ये तो बेडे में सोई है जाना था इनकी खुरपाती दमाधव बीमारी तुरंत है दो मिनट में यो बही जाए तो कहाँ से कर तख्ता तख्ता पे सोवत है जल्ला दोस्तों देख लगते हैं तख्ता पे तख्ता हमारा रीढ़ दुखने लगता है जब से भा तख्ता सो इनके घरे साल है जब से इनके गद्दा बिछा गया था सपना में देख ले वही क्यों रजाई गद्दा तू ना देख रही तू कहा ससुराली देख रही अच्छा हाँ यो बात सही बात दोस्तों में कभी रजाई गद्दा खरीदना नहीं था इनकर माई अमेजोन दे देनी भी हवा में वो सबसे बड़ी चीज हो गई तो हाँ ये तो बात दोस्तों सही है लेकिन मैं ये सब आप सबको कभी दिखाया नहीं कभी बताया तो आप लोग सोचिए कि इस स्थिति से मैं गुजरा हूँ मैं फटी फटी रजाई ठंडी में उड़ता था अगले ठंडी बात ना अगले ठंडी में फटी फटी टूटाई टूटाई खटिया सोत रही तो ओपा सोत रही लेकिन हम दिन भुला इतना ठीक है जवान लेकिन तुम्हारे बाबू जवान यही दे है ना बेटा ऊ कैसा ना हो एक दोस्तों 5 महीने नहीं बीता एक पलारा टूट गया है आप बताइए बोलते बोले थे 50,000 का है छोटी जो है पलरवा अब बतावा खिली हो अगर ऐसे निकलल हो जहाँ तनी दो धमची की धमचा भल तो वो तो और अंदर हल जाएगी और बेकार खिल्ली का हम लगा दी तुहार बाबू ना लगाई दे पाओ तो बढ़िया देव चाहिए जब तू निकालना क्या हुआ आप बताइए दोस्तों ये ना समझने की इतना बढ़िया इतना जबर दमाद पोले है तो चीजियो तो बढ़िया देव चाहिए कुल सरवा कूलर है ना घरर 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 बोला ला अब फ्रिज देना सरवार 10 साल में तो एक दिन ठंडी कर मतलब जान लगा ऐसा नहीं है ना अगर फुल लाइट रही मान ला ठीक ठाक तब तो मान ला ठंडी करी नहीं तो ऐसे सरवा का नहात रही गर्मी भर ये होगा अलमारी देना टूटा ही मान ली एक कला टूट गई यार हाई काका जल हो इसी से देख काहे मरली मरले वाले ये चिक करत रहली हमरे ससुरारी के माल तगड़ा हो डुप्लीकेट हो बताइए एक खाली छुए में एक हाथ छुए में पूरा अलमारी टूट गई नहीं दोस्तों लाते से मारे लाते से मारे थे आगे बढ़िया जे काहे बोलती हो जाए आगे बुढ़िया तब बुढ़ा हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों जितना तू पाहो उतना मर दोनों बहन ना पाए मंदिर बहन पे है तो दोनों बहन ठीक ना पाए बताइए उनका जमाना कुछ और था दोस्तों पहले का जमाना अरे यार जमाना समय समय के समय समय के बाद बूढ़ा खाए माठा भात ठीक है ना 4 साल पहले कौन जमाना ये जमाना रहा आप बताइए दोस्तों अच्छा तो ऐसे दमाद तार माई पबली हुई है यो बता दी हाँ जेठ दमाद पबली हुई है ना कुल में से एकदम छुआ है छचुन्ना रही दोस्तों बता दीजिए देख रहे हैं थोड़ा जैसे मुंह आप ले रहे आप लोग बताइए कमेंट में कौन मैं छछुंदर दिख रहा हूँ दोस्तों तो भैया लोगों ने बता दे कि लेकिन एक चीज हो कह दे ये बत लगी चिल्लाए कहीं मेरे नैहरे की बुराई करत हो करे के ना चाहिए हाँ ससुरारी वाली बात बता नहीं भैया ससुरारी की बात सुन जा ससुरारी अगर आप लोग जाते हो तो वीडियो एक बहुत पहले बना के डाले रही ससुरारी जाए देखा 3 फायदा हो रात में जाइए ना तो फायदा ही फायदा है राजा न तो लोग की मिठाई ले जाए कोई पहली बात और दूसरा बात तो चाहे फटल पुरान हमारी नहीं कहो चाहे डीओ चल जाए तब चल मतलब ठीक है हाँ। रात में तो न क्यों देखी हाँ ठीक चीज हाँ। सवेरमा इतना जवान जे चूतिया रही हुआ सवेरे तक रुकी भोरवन चली हो रात भर रतिया बितावे सवेरे भागल घरे चली आवे तो वो काम करे ससुरारी में भैया ज्यादा दिन न बितावे चाहिए नहीं तो दमादे के कुत्ता जैसन अहमियत हो जाला हमारे भाई लोग जाना तो मन जे बहुत ससुरारी ससुरार हमारे बहुत बढ़िया मिले लिया कि वहाँ गईले के बाद जितना सेवा होला दोस्तों हम समझ सकते हैं ये इतना सेवा करती है ना यहाँ तो हमारा घर कम चिल्लाती जानती है कि भी बोलेंगे तो चपारने लगेंगे तो इसीलिए लेकिन ससुरारी में गईले के बाद ना ये जान ला कि उनकर के कई के माई हो जहाँ होला कहाँ जाता हुआ के देखा था हुआ कहाँ जाबा अब के उनके गाँव बुला लेने का अजय रंगीला लन भैया तनिस देख ली ना जाए खाओ का करे जाबा मतलब सरवा एकदम से मतलब मस्तियो ना कह सकी बियाह कैले की नतीजा भाई जे बियाह कैले है तो रणुए रहा ठीक है बियाह कैले के बाद जिंदगी झंड हो जाये जल्ला भैया
काहे से कि हमार बियाह ना भला धान सरवा ये सोची है भगवान जल्दी कैसे बियाह हो जाए मेहरारू हवे अब बड़ा बड़ा बढ़िया से देख खियाई जियाई हाथ गोड़ मिजी लेकिन ऐसा जमाना है भैया उल्टे गोड़ मिजवा ले उल्टे खाना खा ले तो ये जमाना के मेहरारू मतलब लेवा हम ना कहती लेकिन समझ ली बात तो ठीक रही हाई हमारे जैसा नदनीय बियाह का लेवा 18 साल अच्छा दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइए हम अपना बायोडाटा रुक जाइए हम आप सबको अपना तिथि दिखाते हैं इनका कहना है कि हम 50 साल के हो गए हैं आप लोग बताइए हमारे आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा है दोस्तों दिखाते हैं फरियाते हैं फरिया नहीं रहा ना ब्लर हो जा रहा है दोस्तों ब्लर हो जा रहा है नहीं तो हम आप सबको दिखाते हैं मेरी पैदाइश 25 दिसंबर 12वां महीना 1999 की है तो अभी आप लोग बता दीजिए दोस्तों हम कितने साल के हैं अब इनका भी आइडेंटिटी कार्ड हम देख लेते हैं इनका भी हम रखे थे ये रहा बबीता जी का ये रहा ये है दिखा देखा जो चोहड़ा दिखाते हैं देख ला दोस्तों जो चोहड़ा मुंह जैसे खरपत्तू लगा था आप लोग देखिए 25/5/2003 मतलब 2003 23 चलने वाला 20 साल की इनकी उम्र हो गई है अगर हम इनसे 2 ही साल बड़ा है तो कौन सा ज्यादा है लेकिन इनका कहना है कि आप 28 साल 29 साल के हैं हम भाई 16 साल की लड़की है इनका मुंह देख लिया 16 साल के लगे थे या तो मतलब हम मतलब एकदम बुढ़ा गली शर्मा एकदम से बुढ़ा गली तो कहा भी हवा कहीं तब मत कहली होती जनता हम चाहे ले तो दोस्तों बता सकते हैं हमारे भाइयों लोग हमारी माता मैंने बता सकते हैं अभी अजय रंगीला 55 हो जाए भैया तुम्हारा थोड़ा बहुत देख के कौन ले जी देखा था ना ये चिम्मू जैसे मुंह बनाई लिया कौन थुकबो न करी है थुकबो न करी है हमसे बहुत जबरदस्त थुकबो न करी है दोस्तों देख सकते हैं कौन इनको पूछेगा आप लोग कमेंट में बताइए कोई हमारी बीवी को ले जाना चाहता तो ले जाइए खुले आम छोड़ देंगे साला तलाक दे देंगे तो चलिए दोस्तों जाने दीजिए वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है तो दोस्तों इनका फुल वीडियो आ चुका है अजय रंगीला ऑफिशियल पर आप लोगों ने कल इतना प्यार दिया बहुत मुझे खुशी हुआ लेकिन दोस्तों एक बार फिर से जाकर अजय रंगीला ऑफिशियल पर आप लोग जाकर इनका फुल वीडियो देख लीजिए और देखकर बताइए कि कैसा है थैंक यू लव यू सो मच